हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप, मेरा नाम है आलोक बाड़तिया, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कभी कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल, सेल्स टिप्स, बिजनेस टिप्स, केस स्टडीज और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। और जो नोटिफिकेशन का बटन है दोस्त, इसको दबाना मत भूलिए, ताकि जब मैं कोई वीडियो बना आपको इंस्टेंट बेसिस पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हो, यू नो हाउ टू स्टार्ट योर एजेंसी फ्रॉम होम, राइट। इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टार्ट करने की बात नहीं करूंगा, आप अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो, दैट टू फ्रॉम होम। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं कोई लीगलिटी, पेपर वर्क, बैंक फॉर्मेलिटीज के बारे में बात नहीं करूंगा। आई विल जस्ट टॉक अबाउट द बेसिक फंडामेंटल prerequisites। So without wasting time, let's get started। तो सबसे पहले दोस्त आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सारे इंडस्ट्री के लिए ना डिजिटल मार्केटिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट। ई कॉमर्स के लिए डिफरेंट है, एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट है, आईटी के लिए डिफरेंट है। नॉर्मल अगर कोई सोलो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो उसके लिए डिफरेंट डिलीवरेबल्स रहेंगे। अगर ट्रैवल है, टूरिज्म है, इनोवेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, हर इंडस्ट्री के लिए डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट है दोस्त। तो सबसे पहले अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, ओके, फ्रॉम होम, हाँ, विदाउट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के आपको सक्सेसफुल होना, तो आपको एक ऐसा इंडस्ट्री चूज करना पड़ेगा जिसमें आपका पैशन है। पैशन, राइट। ऐसा एक इंडस्ट्री ना जिसके बारे में आप जानते हो, ऐसा एक इंडस्ट्री जिसके टाइम जिसके अंदर आप टाइम स्पेंड किए हो अपने कॉर्पोरेट लाइफ में या तो अपने लोकलिटी सोसाइटी पे आपने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, राइट। नंबर टू, इंडस्ट्री चूज करने के बाद आपको अपने अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आइडेंटिफाई करना होगा, जो कि आप अंडरस्टैंड कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ है। डिजिटल मार्केटिंग, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बात करता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एज एजेंसी ओनर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं बहुत कुछ देखता हूँ। You know, we get orders on video development, we get orders on content marketing, content development, we get order on email marketing, we get orders on lead generation, we get orders on personal branding, we get orders on website development designing, we get order for SEO, social media, advertisement, social media marketing, we get hell lot of orders for Facebook ads and Google ads. तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं होम से स्टार्ट करने के लिए बात कर रहा हूँ, हालांकि अगर होम से स्टार्ट करोगे तो आप हो गए सोलो एंटरप्रेन्योर, राइट, इतना बड़ा एजेंसी तो होगा नहीं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट व्हाट इज दैट वन स्किल। क्या वो सोशल मीडिया है, क्या वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग ही है, क्या वो कंटेंट डेवलपमेंट है, क्या वो वेब डेवलपमेंट है, राइट, क्या वो वेब डेवलपमेंट प्लस SEO है, क्या वो वेब डेवलपमेंट SEO प्लस लोकल SEO है, क्या वो वेब डेवलपमेंट प्लस SEO प्लस सोशल मीडिया, कि ऐसा क्या स्किल मेरे अंदर है जिसको मैं अच्छे से करूं, दिल से करूं और क्लाइंट को खुश करूं और रिपीट लूं का मतलब है, रिपीट लूं का मतलब है कि क्लाइंट शुड बी गिविंग यू, रिन्यूइंग योर प्रोजेक्ट इन अ रिकरिंग बेसिस। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रिकरिंग बिजनेस होता है, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा काम इतना बेहतर हो, इतना बेहतरीन हो, इतना अच्छा कि यार क्लाइंट शुड रिटेन मी फॉर एवर। और वो आप कब कर पाओगे, जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार व्हाट इज दैट स्किल। तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि इतने सारे चीजें जो आप पढ़ रहे हो डिजिटल मार्केटिंग स्किल के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस के अंदर, आपके उसके अंदर आपका पैशन क्या है, राइट। अगर आप एक लर्नर हो, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, देन ऑल्सो आपको ये पता होगा यार, इतने साल काम कर रहे हो तो आपको पता ही होगा आप कंटेंट में अच्छे हो, कि सोशल मीडिया क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो, कॉपी राइटिंग में अच्छे हो, ग्राफिक्स पे अच्छे हो, एड्स पे अच्छे हो, सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन में अच्छे हो, किस पे अच्छे हो आपको तो पता ही होगा। तो यू हैव टू स्टिक टू जस्ट वन स्किल इन द बिगिनिंग, भाई इधर उधर होना ही नहीं है। मेरे मेंटरिंग प्रोग्राम जो 3 महीने का मेंटरिंग प्रोग्राम होता है विद अ लाइफ टाइम सपोर्ट एंड फुल LMS गारंटी, उसके अंदर आई हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट। तो आपको इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हो गया आपको इंडस्ट्री चूज करना है जिसपे आपका इंटरेस्ट हो, दूसरा आपको एक ऐसा स्किल चूज करना है जिसपे आपका पैशन हो, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्समैनशिप। भाई एट द एंड ऑफ द डे कुछ बेचोगे तभी कोई पैसा देगा, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ क्लोजर, आपको क्लोज करने का स्किल आना जरूरी है। क्लोज होता कैसे है, व्हेन यू लर्न हाउ टू बिल्ड कनेक्ट विद पीपल,
when you learn how to network with people, when you learn how to get user requirement, when you learn how to pitch the offer, when you learn how to make proposals. तो ये सारे चीजें हैं यार, आपको सेल्समैनशिप जानना बहुत जरूरी है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर लिया, स्किल आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन सेल्समैनशिप है ही नहीं. अगर खुद करो या तो अपने भाई से करवाओ, दोस्त से करवाओ, लेकिन करना जरूरी है. राइट, नंबर फोर, यू नीड टू हैव अ टीम. टीम अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है, देखो ठीक है यार, अगर आपका इनकम करना है, आपको 50,000 एक लाख का महीने में आपको बिजनेस करना है, देन इट इज ओके. आप घर में बैठे बैठे चलो दो चार प्रोजेक्ट कर लिए, एक दो फेसबुक का प्रोजेक्ट कर लिए, एक वेबसाइट डेवलपमेंट कर लिए, एक ऑनगोइंग एसईओ का चल रहा है, तो ये चलो 1-1.5 लाख का बिजनेस हो रहा है. राइट, या तो लेट अस अज्यूम कि 50,000 टू 1 लाख 1.5 लाख का बिजनेस हो रहा है अगर आप सोलो हो. अगर आपको सेल्स करना है, अगर आपको स्केल करना है, राइट, देन यू नीड टू हैव अ टीम. और लेट मी टेल यू, आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते. ठीक है, अगर सोशल मीडिया है तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करने पड़ेंगे, आपको कैलेंडर मेंटेन करना पड़ेगा, पब्लिशिंग, स्केड्यूलिंग, प्लस यू हैव टू बी अ थिंकर. थिंकिंग स्ट्रैटेजाइज में बहुत टाइम जाएगा दोस्त. सो यू नीड टू हैव अ टीम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. देखो मैं तो घर से करने के लिए बोल रहा हूँ, तो यू नीड टू लर्न द आर्ट टू एसोसिएट विथ लाइक माइंडेड पीपल अक्रॉस द ग्लोब. राइट, ये टीम इन हाउस नहीं है, लेकिन फ्रीलांसर्स, लाइक माइंडेड पीपल, अपने अपने जोन पे, अपने अपने टाइम पे, अपने अपने स्किल पे, विथ वन मिशन वन गोल, आपके साथ काम करना बहुत जरूरी है. तो टीम के अंदर बहुत सारी चीजें चाहिए यार, कंटेंट राइटर्स चाहिए, स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर पीपल चाहिए, जो कि आपका रोड मैप डिसाइड कर सके, प्रपोजल बना सके, क्लाइंट हैंडल कर सके, अकाउंट मैनेज कर सके. राइट, यू नीड टू हैव पीपल, दोज हु हैव लर्नड द आर्ट टू मैनेज एंड मेंटेन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट्स. तो बहुत सारे लोग चाहिए, आपको देखना पड़ेगा आपका स्किल क्या है, वो स्किल के अंदर आप कौन सा प्रोजेक्ट उठा सकते हो, वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए व्हाट ऑल, अगेन व्हाट ऑल यू नो एक्सपर्टीज एंड स्किल सेट्स आर रिक्वायर्ड. राइट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर द टीम डेवलपमेंट, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्केल करना है ना भाई, सबसे पहले खुद का डिजिटल मार्केटिंग करो. यू नीड टू लर्न द आर्ट टू प्रमोट योर सेल्फ. प्रमोशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि यार एक वेबसाइट बना लिया, एसईओ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो. यू नीड टू लर्न द आर्ट टू प्रमोट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल दोज हु कैन पे यू. जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा कि इंडस्ट्री चूज करना है, तो आपको उन इंडस्ट्री के डिसीजन मेकर्स के सामने अपने आप को प्रमोट करना है ऑनलाइन, उन डिसीजन मेकर्स तक अपने मैसेज को एम्पलीफाई करके पहुंचाना है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट अवेयर, मेकिंग अवेयर टॉम डिक एंड हैरी, रीचिंग आउट द राइट सेट ऑफ पीपल एट द राइट सेट ऑफ टाइम. तो सबसे पहले तो खुद का डिजिटल मार्केटिंग करो. सो गाइज, दीज वर द 5 थिंग्स दैट आई थिंक दैट you know that will help you to start your agency from the comfort of your home. So quickly recap kar lete hain. Sabse pehle identify your industry, then identify your skill, salesmanship, team building, plus you need to learn the art of digitally marketing yourself. So guys, this is Alok Kumar Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.